चार लेबर कोड बनाते आ तीन कानून बनाते तो केंद्र सरकार असल जिस किस्म की इहदी पॉलिसी ने बहुत केंद्रीकरण सिस्टम वल जा रही है। ये तो असल इस संविधान नूं टोटल रद्द करके कोई नवा संविधान बनाउणगे जो सानू लगता है। तैयार रहे हैं असीं तां बैठे हैं अंदोलन ते पंज जगह ते मोर्चे लगे हुए ने। सो सरकार नूं चाहीदा कि वह इनविटेशन भेजे गलबात नूं अगे चलावे। शर्त तो सद्दा होना चाहिए कोई शर्त ना असी लाइए ना वो लाउण जिथों असी डिमांड चार्टर जिहड़ा दिता होया ओदे ते गल अगे वधूगी ओदे ते गल निबड़ूगी कितें तां ठीक है नहीं फिर अंदोलन जारी रहेगा। अंदोलन लगातार वह रहा है चल रहा है लगातार इन्हें चलना है। कोई भी प्रोग्राम असी ऐसा नहीं करांगे नहीं दवांगे नहीं होगा जिहदे नाल ये लगे भी है कोई अंदोलन ये क्लिंच होने वाला। लखा सिधाणा बारे असी फैसला किया है लखा सिधाणा असी अपनी एक्सटरनल जो साडी एक्सटरनल साडियां हमायती शक्तियां ने उहदे विच उहनूं कंसीडर किया। दीप सिद्धू बारे साडा बड़ा क्लीयर है कि दीप सिद्धू ना साडा पहला मोर्चे का हिस्सा सी ना इत्थे आ के रहा ना आउण वाले। सिंघू बॉर्डर से अज संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा बाबा साहब अंबेदकर के नाते क्योंकि अज उन्हां दा दिन है तो लगातार जिहड़े किसान ने वह भी इसे गल करके बैठे ने कि संविधान जिहड़ा उसनू बचाउण दी गल है क्योंकि जदों दी केंद्र च बीजेपी सरकार आई है कोई ना कोई जिहड़ा संविधान के उल्ट वो जिहड़ा डिसीजन लेके आउंदी है तो केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार जारी है इत्थे अंदोलन। तो साडे नाल डॉक्टर दर्शनपाल जी मौजूद ने। डॉक्टर साहब लड़ाई अपनी है तीनों खेती कानून वापस कराने की संविधान को बचाने की तो अज संविधान बचाओ दिवस ही आप मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेदकर के ना तो उन्होंने दिन अज की लगता है कि संविधान को क्यों खतरा है तो क्यों केंद्र सरकार इदा कर रही है। देखो यह जे आप तीन खेती कानून के संबंध में गल करनी हो तीनों खेती कानून के प्रसंग भी असी यह कहा हो तीनों खेती कानून के संबंध बिना कॉन्स्टिट्यूशन कोई सोध किए हुए स्टेट लिस्ट के विच्चों जिहड़े एग्रीकल्चर ते एग्रीकल्चर की मार्केटिंग नाल संबंधित जिहड़े कानून सी उहदे ते इन्हां ने आर्डीनेंस जारी करते ते एक्ट बनाते। इस करके एक तरह नाल संविधान के उत्ते ही अटैक है। इसलिए जो संविधान के उत्ते अटैक है तो असीं इह कहिंदे आ कि यह संविधान बचाउण वाली जिहड़ी अज दिन दे तौर ते क्योंकि बाबा साहब अंबेदकर संविधान नूं रचण वाले सी ते संविधान नूं बचाउण दा अज सी मतलब कि एक तरह का दिन मना रहे हां ते नाल ही बहुजन किसान एकता दिवस के तौर पर अज के दिन असी रीप्रजेंट करके बहुजन और किसान की एकता के तौर पर ये मना रहे हैं जो मजदूर के किसानों की एकता जी बनी। केंद्र सरकार तो कहती है कि असी संविधान तो बचा ही असी रहे पिछले 70 सालों तो संविधान की उलंघना बाकी जो सरकार आदि वो कर रही तो हूँ जो किसान बैठे ने संविधान की उलंघना करते हैं इस तो बचा रहे हैं संविधान। नहीं नहीं वो देखो उन्होंने चार लेबर कोड बनाते आ तीन कानून बनाते तो केंद्र सरकार असल जिस किस्म की इहदी पॉलिसी ने बहुत केंद्रीकरण सिस्टम वल जा रही है। ये तो असल इस संविधान को टोटल रद्द करके कोई नवा संविधान बनाउणगे जो सानू लगता है। इस करके उन्होंने कहण का की है जो रियलिटी हो रहा अपने सामने है इस तो असी चौकस रखना चाहते हैं लोगों को तो लोगों को तीनों हूँ खेती कानून की गल करिए पिछले फिर चर्चा एको दम उठी सी कि अपने जोड़े मंत्री ने नरेंद्र तोमर जी उन्होंने कहा कि सरकार गलबात तैयार है जो तैयार है फिर वो डेडलॉक टुट क्यों नहीं रहा गलबात अगे क्यों नहीं बढ़ रही। उन्होंने पता जी असी तो हमेशा तैयार रहे असी तो बैठे अंदोलन से पांच जगह पर मोर्चे लगे हुए हैं। सो सरकार चाहिए कि वह इनविटेशन भेजे गलबात अगे चलावे तो गलबात टुटती है गलबात होके टुटे चंगी गल है लेकिन गलबात होनी हो ना ये तो माड़ी गल है बहुत। सो इस करके उन्होंने कोई गलबात का सद्दा आता वो सद्दा जिहड़ा शर्तां दे नाल कबूल किया जाएगा कि बिना शर्त कोई कबूल बिना शर्त तो सद्दा होना चाहिए कोई शर्त ना असी लाइए ना वो लाउण जिथों असी डिमांड चार्टर जिहड़ा दिता होया उहदे ते गल अगे वधूगी उहदे ते गल निबड़ूगी कितें तां ठीक है नहीं फिर अंदोलन जारी रहेगा। घटनावां डॉक्टर साहब बहुत सिंघू बॉर्डर ते वापर रहियां ने बीते दिन एक निहंग लड़के वल्लों एक व्यक्ति दा गुट तक वढ़ दिता गया इदां दीआं घटनां ते बहुत दिनों दिन वधदीआं जा रहियां ने कोई नोटिस लै रहा संयुक्त किसान मोर्चा। हाँ नहीं वह घटना बड़ी माड़ी हुई है वह बच्चे का असीं इलाज कराया रोहतक नोबल होस्पिटल दाखल है उहदी रीकनसट्रक्टिव सर्जरी हो गई उहदा हत्थ बच गया टाइमली इंटरवीन कर होने करके हाथ की सर्जरी है जी बल्कि वो ब्लड सप्लाई है जी पूरे हाथ की हो चुकी है। सो टाइमली एक पास तो यह लिया दूजे पास निहंग सिंह भी गल करने वास्ते साड़ी एक मीटिंग हुई है ये भी एक अज शाम कल तक असी गल करके देखा ये कुछ ना वापरे माड़ी गल हुई है।
ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ ਇੱਥੇ। 150 ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਐਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਲਿੰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸਦੀ ਹਜੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ।